10 जनवरी 2018 को एक 8 साल की मासूम का अपहरण के बाद 4 दिन तक सामूहिक बलात्कार कर कुछ दरिंदों ने उसे बेरहमी से मार डाला। अपहरण के हफ्ते बाद उसका शव बरामद हुआ तो देश गुस्से से उबल पड़ा। दोषियों को दोषी तो ठहरा दिया गया, लेकिन सजा से लोग नाखुश नजर आ रहे हैं। 3 को उम्र कैद मिली, 3 पुलिस वालों को सबूत मिटाने के जुर्म में 5 साल की जेल हो गई, जबकि लोगों का मानना है कि सभी आरोपियों को फांसी होनी चाहिए थी। 1.5 साल से इस केस पर तलवार लटकी थी, लेकिन 10 जून को पंजाब के पठानकोट में एक विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया और 7 आरोपियों में से 6 को कोर्ट ने दोषी माना है। विशाल नाम के आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया है, वह मुख्य आरोपी का बेटा है। वहीं आसिफा का केस पहले वकील दीपिका सिंह रजावत लड़ रही थी, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है उसने केस को लेकर दीपिका सिंह रजावत के भय और उनके गैर हाजिर रहने के चलते उन्हें हटाया था, जिसके बाद वकील मुबीन फरूकी जिन्होंने आसिफा के केस को अंजाम तक पहुंचाया। अगर आसिफा के घर वाले तब समझदारी से काम नहीं लेते तो शायद ये जालिम भी पहले बेल पर छूटते फिर आज बरी हो जाते, जैसे पिलखुआ लिंचिंग मामले का आरोपी अभी बेल से बाहर है। वहीं केस लड़ने पर जान से मारने की धमकियों के बावजूद इंसाफ के लिए आगे आने वाले आसिफा केस के वकील मुबीन फारूकी का देशवासी तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जो ये हिम्मत के साथ डटे रहे। वहीं बीजेपी के कुछ नेता आरोपियों को बचाना चाहते थे, लेकिन यह न्याय उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो एक मासूम सी बच्ची के बलात्कारियों के समर्थन में सड़कों पर उतरकर तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे और उन बलात्कारियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।